अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटा सबको आवाज आ रही है? अच्छा, यस सर। चलिए बेटा, सबको नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम पढ़ रहे थे एंटीरो बैक्टीरियसी फैमिली, और लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था विग्रिकोला, हेलिकोबैक्टर और कंपाइलोबैक्टर। तो आज हम एंटीरो बैक्टीरियसी फैमिली को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एंटीरो बैक्टीरियासी फैमिली में कौन से बैक्टीरिया आते हैं आपको मैंने उसी बताए थे, किसी को याद है? बेटा आप सबको याद है एंटीरो बैक्टीरियासी फैमिली में कौन से बैक्टीरिया आते हैं? कोई भी नहीं पढ़ रहा सर? इकोलाई, सेल्मोनेला। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। एंटीरो बैक्टीरियासी फैमिली में बेसिकली वो बैक्टीरिया आते हैं जो कि एंटीरियर ट्रैक में या तो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं, इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा का या तो पार्ट होंगे या फिर इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज करेंगे। तो हमारे पास एंटीरो बैक्टीरियासी फैमिली में जो बैक्टीरिया आते थे उनको हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोज फर्मेंटेशन। जो हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन कर रहे थे उसमें आ रहे थे हमारे पास इकोलाई, उसका निमोनिक था सीव्स। सीव्स स्टैंड्स फॉर सिट्रोबैक्टर, ई फॉर इकोलाई, एंटीरोबैक्टर, क्लेब्सियेला एंड सिटेशिया। ये हमारे पास सारे लैक्टोज फर्मेंटर थे। और जो हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉज नहीं कर रहे थे उसमें हमारे पास आ रहे थे, उसका निमोनिक है शिप्स, शिप्स वायरस। उसमें आएगा शिगेला, यर्सिनिया, प्रोटियस और साल्मोनेला। इनमें हम बेटा इकोलाई कवर कर चुके हैं, शिगेला कवर कर चुके हैं और साल्मोनेला कवर कर चुके हैं। जो सेक्सुअल बैक्टीरिया है वो इतना इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, तो हम वो नहीं कर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ये तीनों बैक्टीरिया जिसमें आता है क्लेब्सियेला, एंटीरोबैक्टर और सिरेशिया। और साथ में हम कवर करेंगे ये प्रोटियस जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। यर्सिनिया काफी इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, वैसे तो ये इसने कॉज किया था बबूनिक प्लेग जो हमारे पास तकरीबन आई थिंक 19 सेंचुरी में हुआ था, इसमें कुछ 20 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी, लेकिन आज कल यर्सिनिया ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। तो इसलिए हम यर्सिनिया कवर नहीं करेंगे और सिट्रोबैक्टीरिया कवर नहीं करेंगे, बाकी आज ये सब हम पढ़ लेंगे। शिगेला पढ़ चुके हैं, साल्मोनेला पढ़ चुके हैं, नॉन लैक्टोसोमेंटर कवर करेंगे प्रोटियस और लैक्टोसोमेंटर कवर करेंगे क्लेब्सियेला, एंटीरोबैक्टर और सिरेशिया। शुरू करते हैं। क्लेब्सियेला, एंटीरोबैक्टर और सिरेशिया। कोई नहीं सुनता बेटा, सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन। तीजा क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, अगर आपको पढ़ने का दिल नहीं है तो आप लीव कर दें।
करने साहब की लग्जे क्या क्लास रिक्वायर की है। शुरू करते हैं इनके इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर से। वैसे तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीनों बैक्टीरिया हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटेशन कॉज करेंगे, लेकिन जो क्लेबसिएरिया है इसका हमारे पास एक लार्ज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। जिसकी वजह से जब हम इन बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो इनकी हमारे पास मिकॉइड पेरेंट्स होती है, ठीक है। इनकी कॉलोनीज की मिकॉइड पेरेंट्स होगी बिकॉज इट हैज अ लार्ज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल क्लेबसिएरिया। और सिरेशिया की बात करें तो जब हम इसे कल्चर करेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक रेड पिगमेंट जो इसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। जिस तरह से स्टेफ और हमारे पास येलो या फिर गोल्डन पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, इसी तरह से हमारे पास सिरेशिया प्रोड्यूस करता है रेड पिगमेंट और क्लेबसिएरिया प्रोड्यूस करता है लार्ज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल व्हिच हेल्प्स अस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज बैक्टीरिया। इन तीनों फैक्टर का ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन फीचर नहीं है। अगर इनके रिजर्वर की बात करें तो वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एंटीरो बैक्टीरिया है उनके रिजर्वर क्या होते हैं। वो यहाँ तो इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होंगे या फिर इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज करेंगे। तो क्लेबसिएरिया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, उसके अलावा ये सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होगा, उसके अलावा ये सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। एंटीरोबैक्टर के भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और सिरेशिया भी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो फिर हमारे पास डिजीज कैसे कॉज करते हैं अगर हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है। बेटा ये डिजीज तब कॉज करते हैं जब ये इंटेस्टाइन से बाहर जाएंगे। अब इंटेस्टाइन से बाहर हमारे पास डिफरेंट तरीकों से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पेशेंट की कोलोनोस्कोपी की है, इंटेस्टाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन की है, सर्जरी की है, या फिर आपने ब्लैडर की इंस्ट्रूमेंटेशन किया जिसमें सिस्टोस्कोपी आ जाएगा, फॉलिस कैथेटर आ जाएगा, या फिर आपने वैसे पेशेंट की पेशेंट को इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा लाइक थीसिस के थ्रू इंटेस्टाइन से कैसे जाएगा ब्लड में, वहाँ से आपका थीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा लेकिन आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा। बॉडी में इसलिए कैसे एंटर होगा जब आप इंटेस्टाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोलोनोस्कोपी और उसमें कोई भी कॉजल ब्रेक आ रहा है, ठीक है, या फिर आप ब्लैडर की इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से, या फिर हमारे पास आप सर्जरी कर रहे हैं एब्डोमिनल सर्जरी जिसे हम लेफ्रोड भी कहते हैं मोस्टली, उसकी वजह से ये जब हमारे पास वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकते हैं और फिर ये डिजीज कॉज करते हैं निमोनिया और यूटीआई। ये तीनों हमारे पास सिर्फ दो डिजीज कॉज करते हैं, निमोनिया एंड यूटीआई। तो ये इनका कॉमन फीचर है, ठीक है। तीनों हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, नॉर्मल रिजर्वायर मतलब कि नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, उसके अलावा जो क्लेबसिएरिया है ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। एंटीरोबैक्टर सिरेशिया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इनकी ट्रांसमिशन कैसी होगी, इनकी ट्रांसमिशन जब क्लेबसिएरिया की बात करें तो सॉइल में भी प्रेजेंट है, तो इसकी बैक्टीरिया की इनहेलेशन के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये इंटेस्टाइन से आए लेकिन ये इंटेलिजेंस से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जैक्टली उन्हें हो सकता है, तो ये इंटेलिजेंस से भी ट्रांसमिट हो सकता है क्लेबसिएरिया, ठीक है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन जिसमें इंटेस्टाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगी, ब्लैडर की इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाएगी, हमारे पास सर्जरी आ जाएगी, ठीक है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। और फिर जाके अगर इन्हेलेशन से आ जाते हैं मोस्टली कॉज करता है यूटीआई और इंस्ट्रूमेंटेशन प्लस सर्जरी के थ्रू कॉज करेगा, सॉरी इन्हेलेशन के थ्रू कॉज करेगा निमोनिया और इसके थ्रू कॉज करेगा यूटीआई। बेटा ऑनलाइन शर्ट पे समझ आ रही है ना, यस सर, यस सर, ठीक है। और एंटीरोबैक्टीरियल और सिरेशिया वो दोनों हमारे पास सिर्फ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाकी इन्वायरमेंट से अगर प्रेजेंट होंगे तो वहाँ से इनकी ट्रांसमिशन बहुत रेयर होती है। इनकी ट्रांसमिशन होगी हमेशा इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू या फिर सर्जरी के थ्रू, एंटीरोबैक्टीरियल और सिरेशिया से। इंस्ट्रूमेंटेशन सर्जरी इनके थ्रू उसकी ट्रांसमिशन होगी। अब जो हमारे पास एक यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जो क्लेबसिएरिया है ये हमारे पास एक प्राइमरी पैथोजन है और जो एंटीरोबैक्टीरियल और सिरेशिया है ये हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है।
इसका मतलब पता है आपको बेटा? ऑनलाइन क्लास का मतलब होता है क्या? मतलब होता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन का और प्राइमरी पैथोजन का। सर अपॉर्चुनिस्टिक होता है जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसकी फेवरेबल कंडीशंस हो। ठीक है, आप भी ठीक बताया बेटा। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हमारे पास वो पैथोजेंस होते हैं जिनमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की डिजीज रिक्वायर होती है, कॉज देयर ओन डिजीज। जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्हें अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है इंफेक्शन कॉज करने के लिए। इसी एग्जाम्पल आपको इस तरह से दूंगा कि जो हेपेटाइटिस हमारे पास डी है, वैसे वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पेशेंट को हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। अगर बी होगा तो उसके ऊपर डी हो सकता है, इट सेल्फ डी नहीं हो सकता। So hepatitis D is an opportunistic pathogen, ठीक है? इसी तरह से एंटीरोबैक्टीरियल और सेरेशिया हमारे पास itself disease cause नहीं करते। जब हमारे पास patient को कोई और infection होगी, patient already hospital में होगा, क्योंकि ये जो तीन bacteria हैं mostly hospitalized patient में infection cause करते हैं। तो जब patient hospital में होगा किसी भी वजह से, मतलब उसका immune system किसी भी वजह से compromise है या उसकी कोई recent surgery हुई है, उसके पीछे अक्सर WBC count कम होता है। तो जब पेशेंट के डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ तो इम्पेयर्ड होंगे या भी उसका इम्यून सिस्टम किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज होगा, तो फिर हमारे पास एंटीरोबैक्टीरियल और सेरेशिया इन्फेक्शन कॉज नहीं है। लेकिन जो क्लेबसिएला है, ये हमारे पास एक प्राइमरी पैथोजन है। ये हमारे पास इटसेल्फ डिजीज कॉज कर सकता है, इसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है टू कॉज इट्स इन्फेक्शन, इसलिए हम इसे प्राइमरी पैथोजन कहते हैं। क्लेबसिएला के बारे में है कि ऑल्दो इट इज अ प्राइमरी पैथोजन, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये ज्यादा डिजीज कॉज करता है। अब वो कौन से पेशेंट्स हैं बेटा? वो पेशेंट्स जिनको कोई भी क्रोनिक लंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल सीओपीडी, ठीक है, लंग डिजीज फॉर एग्जांपल सीओपीडी, या फिर हमारे पास डायबिटीज, या फिर अल्कोहलिक्स। तो दिस बैक्टीरिया लव्स टू कॉज निमोनिया इन दीज पेशेंट्स। इन पेशेंट में ये बैक्टीरिया ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है और मोस्टली निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। उसके अलावा एडवांस एज है एल्डरली में। लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि इन चीजों की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन नहीं है। अगर ये चीजें नहीं होंगी फिर भी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसकी 90% केसेज होते हैं वो इनमें आते हैं, और जो रिमेनिंग 10% होते हैं वो हमारे पास आम लोगों में आते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट स्मोक करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पता है कि स्मोकिंग की वजह से जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में सीलिया होते हैं वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका फंक्शन आपका वो अपना नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते स्मोकिंग की वजह से। तो फिर उन पेशेंट में जाके ये क्लेबसिएला निमोनिया कॉज कर सकता है, ठीक है। अब हम स्लाइड से पढ़ेंगे चुनाव बैक्टीरिया से जो पॉइंट मिस हो गया तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद। हाँ, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया है कि ये हमारे पास लार्ज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, जिसकी वजह से इसके हमारे पास वी कॉइड ऑर्गेनिज्म होंगी ब्लड एग्रीगेट या जहां इसे कल्चर कर रहे हैं। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है क्लेबसिएला निमोनिया, जब निमोनिया कॉज करता है ना, तो जो उसकी जो स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास थिक रेड कलर का स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्यूरेंट्स जेली स्प्यूटम। अगर सेफोटिस की बात करें तो उसमें निमोनिया होता है, उसमें रस्टी कलर स्प्यूटम होता है। इस तरह आप स्प्यूटम की बेस पे ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। वैसे इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन तीनों की वजह से यूटीआई हो जाए या फिर इकोलाई की वजह से यूटीआई हो जाए, आप सिर्फ क्लिनिकल पिक्चर की बेस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपने फिर उसके लैब टेस्ट करवाने हैं, फिर कल्चर करवाना है, ठीक है, और उसके थ्रू अगर आपने डायग्नोस करना है कि बैक्टीरिया एक्चुअली है कौन सा। लेकिन कुछ हमारे पास निमोनिया में इस तरह के फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेफोरिस में रस्टी कलर स्प्यूटम होगा, क्लेबसिएला में हमारे पास क्यूरेंट जेली थिक रेड कलर का स्प्यूटम होगा। आप उन चीज़ों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेफोरिस है या क्लेबसिएला है या कोई और बैक्टीरिया है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसमें ग्रीन स्प्यूटम होता है। तो इस तरह जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो निमोनिया कॉज कर रहे हैं उनमें हम बता सकते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, जब याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये। जी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जब वो निमोनिया कॉज करते हैं तो उसमें ग्रीन स्प्यूटम होता है और इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं और मैं भाई अक्सर पूछता रहता हूँ, बच्चों को याद करता हूँ। थोड़े स्लाइड से पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस दैट कॉजेस नोसोकॉमियल। नोसोकॉमियल का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जो
Enterobacterias rosacea, they love to cause infection in hospitalized patients. तो नोजोकोमल इन्फेक्शन की एक सीरियस कॉज है, ठीक है, स्पेशली निमोनिया और यूटीआई कॉज करते हैं। जो हमारे पास क्लेक्सर निमोनिया के जैसे इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी पैथोजन आउटसाइड द हॉस्पिटल एज वेल, क्योंकि जो हमारे पास क्लेक्सर निमोनिया है अपॉर्चुनिस्टिक भी एक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी पैथोजन एक्ट कर सकता है, तो ये हॉस्पिटल से बाहर भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लेक्सर निमोनिया एंटेरोबैक्टर क्लोएका एंड सेरेशिया मार्सेलिसा अदर स्पीशीज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व इन ह्यूमन इन्फेक्शंस। They are frequently found in large intestine, जैसे कि मैं यहाँ पे reservoir discuss किया कि ये large intestine में present होते हैं और soil में present होते हैं। These organisms have very similar properties and usually distinguish on the basis of several biochemical reactions and motility. Biochemical reactions from motility के basis में differentiate करते हैं, वो हम slides के end पे देखेंगे कि वो कौन से test हैं जिसके basis में differentiate करते हैं। Pathogenesis की बात करें तो Klebsiella pneumoniae is most likely to be primary pathogen, primary non-opportunistic pathogen है। This property is due to its anti-phagocytic capsule. जैसे एक large full thickness capsule होता है और हम time and again पढ़ चुके हैं कि capsule का हमेशा function होता है कि वो phagocytosis को inhibit करता है। Although this organism is a primary pathogen, patients with Klebsiella pneumoniae infection frequently have predisposing conditions such as advanced age, chronic respiratory disease, diabetes or alcoholism. ये हमारे पास primary pathogen है, लेकिन lung disease, diabetes, alcoholism और advanced age elderly में lots of cause this infection. The organism is carried in the respiratory tract for about 10% of elderly people who are prone to pneumonia if forced defenses are lowered. अब forced defenses lowered से क्या मतलब है? Patient smoker है, ठीक है, patient में cystic fibrosis है, तो उसमें जो patient के forced defenses होते हैं वो already compromised होते हैं, तो उनमें भी infection cause कर सकते हैं, लेकिन जिसकी 90% इन्फेक्शन होती है वो इन पेशेंट्स में होती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एंटेरोबैक्टीरिया एंड सेरेशिया इन्फेक्शन आर क्लियरली रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन कॉज करती हैं, स्पेशली टू द इनवेसिव प्रोसीजर्स सच एज आईवी कैथेटराइजेशन, रेस्पिरेटरी इंट्यूबेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट मैनिपुलेशन। जैसे कि मैंने यहां पे डिस्कस किया कि इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें हमारे पास कोलन की इंस्ट्रूमेंटेशन आ सकती है, फॉर एग्जांपल कोलोनोस्कोपी, सिग्मॉइडोस्कोपी, उसमें ब्लैडर की आ सकती है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैथेटराइजेशन होता है, फॉलिस कैथेटर के लिए वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे सिस्टोस्कोपी के लिए, यहाँ पे हमारे पास उसके अलावा रेस्पिरेटरी इंट्यूबेशन है, आप पेशेंट की इंट्यूबेशन कर गए हैं जो फ्रीक्वेंट ईटीटी पास कर रहे हैं, तो उनकी उनकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है एंटेरोबैक्टीरिया की और सेरेशिया की। In addition, outbreaks of Klebsiella pneumoniae have been associated with the contamination of water in respiratory therapy devices. Respiratory therapy devices में water की contamination की वजह से भी Klebsiella की वजह से pneumonia हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि जो हमारे पास Klebsiella है और enterobacteria है वो hospital से बाहर infection cause नहीं करते, they are strictly opportunistic pathogens और hospitalized patient में ही infection cause करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स आपको पता है कि निमोनिया में और यूटीआई के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। निमोनिया में पेशेंट को हमारे पास फीवर होगा, शार्प प्लेटिंग चेस्ट पेन होगी, कफ होगा, स्पीटम की प्रोडक्शन होगी, चेस्ट एक्सरे में हमारे पास लोबार कंसोलिडेशन हो सकती है, और यूटीआई में पेशेंट को मोस्टली हमारे पास डिस्प्यूटिया होता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सुप्रा प्लेटिंग पेन होती है, ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। urinary tract infection and pneumonia are the usual clinical entities associated with these three bacteria, but bacteremia and secondary spread to other infections such as meningitis and liver can occur. We have ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो Klebsiella, Enterobacteria और Serratia हैं, mostly cause करेंगे UTI और pneumonia. कुछ बड़े rare cases होते हैं कि इन bacteria की वजह से sepsis हो और फिर sepsis की वजह से meningitis या फिर liver की further inflammation हो. लेकिन वो बहुत rare हैं. They are mostly limited to the urinary tract and respiratory epithelium. Clinical features, in addition, it is difficult to distinguish infection caused by these organisms on the clinical grounds with the exception of pneumonia. Pneumonia mein differentiate kar sakte hain because mein thick red color sputum hoga ya bloody sputum hoga jisse hum purulent jelly sputum keh rahe hain. Ye hota hai Klebsiella pneumonia mein. लैब डायग्नोसिस की बात करें बेटा, तो अगर हमारे पास निमोनिया है तो निमोनिया में आप स्पेसिमेन कहाँ से लेंगे? निमोनिया में आप स्पेसिमेन लेंगे स्प्यूटम से। अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप स्पेसिमेन लेंगे हमारे पास यूरिन से। अगर पेशेंट को सेप्सिस है तो फिर आप ब्लड से स्पेसिमेन ले सकते हैं। अगर मेनिंजाइटिस स्प्रेड कर गया तो फिर आप सी ए से स्पेसिमेन ले सकते हैं। तो मतलब आप स्पेसिमेन कहाँ से ले रहे हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि पेशेंट को इश्यू कौन सा है। और अगर आप अंदर का माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे, मोटाइल होंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव है, और क्योंकि अगर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीनों बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं,
शीशे के बारे में इसमें फीचर ये है कि जो शीशा है वो हमारे पास लेट लैक्टोज फर्मेंटर है, मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया हमारे पास एक दिन में कॉज करे फर्मेंटेशन केक आफ्टर टू डेज, तो कुछ केसेस में शीशा हमारे पास नेगेटिव टेस्ट भी दे सकते हैं। तो शीशा पर सब ये जा रही है कि शीशा इज अ लेट लैक्टोज फर्मेंटर। अगर की बात करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को फर्मेंट करेगा, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, तो आपको पता है कि जब ये फर्मेंटेशन पॉज करते हैं तो फर्मेंटेशन में गैस प्रोड्यूस होती है। इसलिए हमारे पास इस तरह की आपको क्लिनिकल पिक्चर नजर आएगी कि हमारे पास नीचे भी येलो कलर है ऊपर भी येलो कलर है, मतलब ग्लूकोज को भी फर्मेंट कर रहे हैं लैक्टोज को भी फर्मेंट कर रहे हैं, दरमियान ये बबल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये हमारे पास कैटलाइज पॉजिटिव है। ये टेबल आपको करने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपको मैंने बता दी बस वो याद रखें कि हमारे पास लैक्टोज फर्मेंटर है, कैटालेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है और ठीक है अगर देखिए क्या हमारे पास फीचर्स होंगे, ये टेबल आपको करने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमने कवर कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें फिर आगे कवर करते हैं। डेटा कुछ पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन? बेटा बोले तो कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी सर आ गई। अब हम आते हैं नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स की तरफ। उसमें हमारे पास तीन बैक्टीरिया है, प्रोटियस है, प्रोविडेंस है, मॉर्गनेला है, जिसमें हम सिर्फ प्रोटियस कवर करेंगे, प्रोविडेंस और मॉर्गनेला कवर करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटियस के बारे में बात करें तो ये हमारे पास इसमें सबसे पहले देखेंगे रिजर्वॉयर क्या है, कोई बताएगा इसका रिजर्वॉयर क्या है, सोर्स क्या है? बेटा ये एंटीरियर बैक्टीरिया फैमिली में आ रहा है, प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, जिसका रिजर्वॉयर हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें लार्ज प्लस स्मॉल दोनों आती हैं, ठीक है। प्रोटीज हमारे पास, प्रोटीज के बारे में एक खास बात यह है कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं फिनाइल एलानिन डीएमएनेज। ये जो एंजाइम है ये हमें इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये बैक्टीरिया यूरिएज पॉजिटिव है, उसके अलावा ये बैक्टीरिया हमारे पास हाईली मोटाइल है और इसकी मोटिलिटी के एक वर्ड यूज करते हैं जिसे कहते हैं स्वार्मिंग मोटिलिटी। ये हम आगे जाके स्लाइड पे देखेंगे ये हमारे पास स्वार्मिंग मोटिलिटी का क्या मतलब है। फर्स्ट करेंगे ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है, यहाँ पे आपने बैक्टीरिया को कल्चर किया, ये बैक्टीरिया की सारी कॉलोनी है। तो आप जब आप ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो आपको इस तरह से रिंग नजर आएंगे, ये हमारे पास बैक्टीरिया मूव कर रहा होता है और इसको हम कहते हैं स्वार्मिंग मोटिलिटी। तो प्रोटीज के हमारे पास एक तो रिजर्वॉयर क्या है, लार्ज प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिनाइल एलानिन डीएमएनेज प्रोड्यूस करता है जो कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया हमारे पास यूरिएज पॉजिटिव है, बैक्टीरिया हमारे पास मोटाइल है एंड इट एग्जिबिट्स स्वार्मिंग मोटिलिटी। तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, मतलब ये है तो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, ये डिजीज कैसे कॉज करेगा? बेटा ये हमारे पास या तो ऑब्वियस है कि तो इंटेस्टाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रू डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी डिजीज कॉज करने में मेन रोल प्ले करते हैं वो इसकी मोटिलिटी है। ये अपनी मोटिलिटी की वजह से इंटेस्टाइन से बाहर आके यूटीआई कॉज कर सकता है, किडनी से इंफेक्शन कॉज कर सकता है। तो इसकी मोटिलिटी की वजह से हमारे पास इस मोटिलिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द बैक्टीरिया और इस तरह से हमारे पास यूटीआई और उसके अलावा किडनी स्टोन्स कॉज कर सकता है। बेटा होता है इस तरह से कि बैक्टीरिया पहले हमारे पास ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर में जाके कॉज करेगा सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस के वही साइन और सिम्टम्स हैं, मतलब कि डिस्यूरिया होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, सुप्रा क्यूबिक पेन हो सकती है,
लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ब्लैडर में इतनी सीवियर डिजीज कॉज नहीं करता, ये सिंपली ब्लैडर से जाएगा ऊपर किडनी में, ठीक है। जब ये किडनी से जाएगा तो वहां पर जाकर ब्लड के थ्रू ये किडनी से जा सकता है, जरूरी नहीं कि ब्लैडर में रखने से जाए। जब ये किडनी से जाता है तो वहां पर जाके ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम यूरियेज, ठीक है। यूरियेज एंजाइम क्या करेगा कि हमारे पास यूरिया को ब्रेक डाउन करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। अमोनिया की वजह से क्या होता है कि हमारे पास आपको पता है कि अमोनिया एक बेस है, ठीक है। तो अमोनिया हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, बनाता है अमोनियम, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की वजह से हमारे पास एक यूरिन होता है, उसमें अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ये हाइड्रोजन सारे इसके साथ बाइंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द यूरिन। तो जब हाइड्रोजन नहीं होंगे तो हमारे पास सिर्फ अमोनियम होगा, तो उसमें फिर हमारे पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है किडनी से, ठीक है। जब किडनी से हमारे पास अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से फिर हमारे पास एएमपी किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। एएमपी स्टैंड्स फॉर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। रिमूव कर देते हैं, हमारे पास एएमपी अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के स्टैंड फॉर किडनी स्टोन्स। हमारे पास अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट किडनी स्टोन्स बन जाएंगे। बेटा इन स्टोन्स में और बाकी किडनी स्टोन्स में क्या डिफरेंस होता है? जो हमारे पास एएमपी किडनी स्टोन्स होते हैं, एक तो आपको पता है कि प्रोटीज की इंसेक्शन की वजह से बन रहे हैं, दूसरे जो ये वाले स्टोन होते हैं ये हमारे पास काफी लार्ज होते हैं, ठीक है। जो बाकी स्टोन होते हैं फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सीडेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, वो स्टोन हमारे पास छोटे होते हैं और वो रिलेटिवली खुद पास हो सकते हैं अगर आप यूरिन में लाइक अगर आप ना यूरिन को फिर से एसिडिक कर दें तो वो स्टोन खुद ही पास हो सकते हैं। लेकिन ये स्टोन खुद ही पास होते हैं, ये काफी लार्ज होते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रोवाइड भी करते हैं। और ये स्टोन जब हमारे पास काफी लार्ज होते हैं तो इन स्टोन के अंदर बैक्टीरिया स्टोर होना शुरू लगता है, ठीक है। और फिर वहां से जब उन स्टोन से फिर बैक्टीरिया बार बार रिलीज होकर बार बार किडनी से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इस तरह से ये एक कहले के एक साइकिल चलता रहता है। और दूसरा, ये स्टोन लार्ज हैं जिसकी वजह से ये यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जब यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास इनर एपिथेलियम डैमेज हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो सकता है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। लेकिन आमतौर पर हमारे पास इतनी सीवियर क्लिनिकल पिक्चर नहीं आती। पेशेंट को जब किडनी स्टोन होते हैं तो पेशेंट को फ्लैंकन डेवलप हो जाती है, वो मोस्टली डॉक्टर के पास चला जाता है और वहां पर ये डायग्नोस हो जाता होता है, ठीक है। अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है? ये हमारे पास लार्ज स्टोन है, यूरिन में खुद पास नहीं हो सकते, तो आप इसमें पेशेंट की पहले इसमें आप जी हाँ जी लेकिन सर्जरी करने से पहले आप पेशेंट को देंगे एंटीबायोटिक ताकि इन्फेक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसकी सर्जरी करेंगे और सर्जरी के बाद दोबारा एंटीबायोटिक देंगे ताकि उसकी रिमेनिंग बैक्टीरिया ब्लड में रिलीज हुआ है तो उससे भी ट्रीट किया जाए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपने पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक देनी है और फिर सर्जरी करनी है। इसके लिए सर्जरी जरूरी होती है। बाकी जो किडनी स्टोन है जिसमें कैल्शियम ऑक्सीडेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, यूरिक एसिड किडनी स्टोन है, वो जितने भी किडनी स्टोन है वो सब हमारे पास यूरिन में सिक्रीट हो सकते हैं। उनमें आपने ये करना होता है कि आपने सिर्फ यूरिन को एसिडिक करना होता है और यूरिक एसिड के लिए आपको यूरिन को अल्कलाइन करना होता है, तो मोस्टली खुद ही यूरिन में पास हो जाते हैं या फिर आपका लिथोट्रिप्सी से काम हो जाता है। लिथोट्रिप्सी होता है कि आप रेस यूज करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप स्टोन को ब्रेक करते हैं फिर वो यूरिन में पास होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सर्जरी जरूरी होती है, ये हमारे पास ऐसे पास नहीं होते। नहीं हो सकता लिथोट्रिप्सी के लिए एक साइज रिकमेंडेशन होती है, ठीक है, वो मेरे ख्याल में थी 0.8 से लेकर 1.2 मिलीमीटर। अगर उससे ज्यादा स्टोन हो तो आप उसमें लिथोट्रिप्सी का कोई फायदा नहीं होता। और इनके स्टोन तो काफी लार्ज होते हैं, अगर आप लेट पे तस्वीरें देखेंगे तो इनको सर्जरी से ही रिमूव करना होता है आपने। और प्रोटीज के बारे में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि प्रोटीज हाईली मोटाइल है, सोयाबीन मटेरियल से एक्सिबिट कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? ये हमारे पास एक लोफोट्राइपस बैक्टीरिया है, इसमें हमारे पास बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं,
The organism primarily cause urinary tract infection, both community and hospital acquired. The gram-negative cohorts are distinguished from other members of Enterobacteriaceae by their ability to produce an enzyme phenylalanine deaminase. Phenylalanine deaminase enzyme produce करते हैं, जिसके थ्रू हमें identify कर सकते हैं, differentiate कर सकते हैं. उसके अलावा बैक्टीरिया यूरिया पॉजिटिव है, जिसका मतलब है कि यूरिया को प्रिडम करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. और कुछ स्पीशीज हमारे पास बोले तो मोटाइल होती है, जिसकी वजह से स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है ब्लड एग पे, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंडिंग विंग और वेव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द सरफेस ऑफ द एग. उसके अलावा हम इसके डायग्नोसिस के लिए गिल फेलिक सिलेक्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफी ऑलरेडी टेस्ट है, आजकल परफॉर्म नहीं किया जाता. तो जो आपको मैं कह रहा था कि स्वार्मिंग मोटिलिटी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये भी कह रही कॉलोनी है, और ये देखें ये देखें किस तरह से हमारे पास सही मोमेंट हो. ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन ह्यूमन कॉलोन एज वेल एज इन सॉइल एंड वाटर. देयर टेंडेंसी टू कॉज यूरिया इज प्रोबेबली ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन द कॉलोन एंड द कोलोनाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा स्पेशली इन वुमेन. The vigorous motility of the Proteus organism may contribute to their ability to invade the urinary tract. ठीक है, हमारे पास कॉलन में प्रेजेंट होते हैं और फिर अपनी मोटिलिटी के थ्रू यूरेथ्रा को कोलोनाइज करते हैं और वहां पर एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं. पैथोजेनेसिस की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम यूरियास इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बाय दिस ग्रुप. यूरियास हाइड्रोलाइज करेगा यूरिया को इनटू अमोनिया, जो कि हमारे पास टीएच को इंक्रीज करेगा, मतलब कि यूरिन को अल्कलाइनाइज करेगा, प्रोड्यूसिंग एन अल्कलाइन यूरिन. दिस इनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन कॉल्ड कैल्कुलाई और स्टुवाइट व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, यानी एएमपी के स्टोन्स. Stones in the urinary tract obstruct the flow, damage urinary epithelium, serve as an iris for the recurrent infection by trapping bacteria within the stone. स्टोन के अंदर कीड़ा की ट्रैपिंग हो सकती है और वहां से रेकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकती है. बिकॉज अल्कलाइन यूरिन ऑल्सो फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मोर एक्सटेंसिव यूरिनरी डैमेज, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स कीपिंग द यूरिन एट अ लो पीएच. तो आपने अपने यूरिन को आइडेंटिफाई करना है. बेटा जो हमारे पास तीन किडनी स्टोन है, एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीडेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और एएमपी किडनी स्टोन है. ये तीनों किडनी स्टोन हमारे पास तब होते हैं जब किडनी में अल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट हो. ठीक है, तो आपने इन तीनों के ट्रीटमेंट यूरिन को एसिडिफाई करना होता है. और जो हमारे पास यूरिक एसिड किडनी स्टोन है वो तब बनते हैं जब हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट हो और आपने यूरिक एसिड किडनी स्टोन में यूरिन को अल्कलाइनाइज करना है. तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एएमपी किडनी स्टोन हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो या फिर कैल्शियम ऑक्सीडेट हो, आपने उन तीनों में यूरिन को एसिडिफाई करना है, क्योंकि ये तीनों स्टोन अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बनते हैं. तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हमने एक तो यूरिन को एसिडिफाई करना है, दूसरा हमें एंटीबायोटिक देनी है जब इन्फेक्शन हमारे पास साइकिल डाउन हो जाएगी, फिर हमें सर्जरी करनी है. अगर आप माइक्रोस्कोपिकली लेकिन देखें तो जो हमारे पास एएमपी अमोनियम मैग्नीशियम किडनी स्टोन है, अब आपको इस तरह से नजर आएंगे, इनकी कॉफिन लिड पेरेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर सिस्टाइटिस हो रहा है इकोलाई की वजह से या फिर प्रोटिस की वजह से, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टाइटिस में सिम्टम्स होने के सेम होंगे. सिस्टाइटिस में क्या होता है, जैसे क्या होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी और सुप्रा कैबिन पेन होगी, केवल उसमें दोनों में नहीं होगा. तो आप यूटीआई के साइन और सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन नेफ्रोलिथायसिस जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं उस पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. प्रोटीस स्पीशीज हमारे पास निमोनिया वोन इन्फेक्शन सेप्सिस भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर है. जो मोस्टली केसेस होते हैं वो प्रोटीस के मोस्ट वाइड किडनी स्टोन्स होते हैं. तो अब लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अगर कोई बैक्टीरिया हमारे पास सेप्सिस कॉज कर रहा है या नेफ्रोलिथायसिस कॉज कर रहा है, तो आप यूरिन स्पेसिमेन लेंगे. अगर हमारे पास बैक्टीरिया वोन इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं तो आप पस से लेंगे, अगर सेप्सिस कर रहा है तो ब्लड से लेंगे, और अगर निमोनिया कर रहा है तो स्प्यूटम से लेंगे. अगेन बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर रहे हैं आपने वहीं से स्पेसिमेन लेना होता है. अंडर द माइक्रोस्कोप हमारे पास ग्राम नेगेटिव प्रोडक्ट होंगे, हाईली मोटाइल होंगे, ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं. देखो कि अगर आपको पता है कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाएंगे, और टीएसए अगर की बात करें तो हमारे पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज हैं, मतलब ये हमारे पास ना तो ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे ना लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे. कुछ स्पीशीज हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करती हैं, कुछ स्पीशीज हैं जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं करती. तो
तो आपको वो डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है और ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है। आपको ये मॉर्गनेला और प्रोविडेंशिया करने की जरूरत नहीं है। प्रोटियस मिराबिलिस मैक्रोबिलगाइरस में डिफरेंशिएट ये है कि जो हमारे पास प्रोटियस बल्गैरस है वो हमारे पास मोस्टली यूटीआई और किडनी स्टोन कॉज करते हैं, जो प्रोटियस मिराबिलिस है वो निमोनिया और बोन इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो आपको ये बताना चाहिए। बेटा प्रोटीज में कोई कंफ्यूजन? आपको समझ आ गई? बेटा ऑनलाइन सेशन कोई कंफ्यूजन प्रोटीज में? बच्चों सो रहे हो आप लोग? नहीं सर, जाग रहे हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सोडोमोनास। तो जो हमारे पास सोडोमोनास आर्जिनोसा है ये एक ग्राम नेगेटिव क्लॉड है, ठीक है, जस्ट लाइक एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली। लेकिन जो एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली थी उसमें यहाँ तो ऑब्लिगेट एनारोब थे। एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली में हमारे पास यहाँ तो ऑब्लिगेट एनारोब थे, यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब थे, ठीक है, और एनारोब है तो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे फर्मेंटेशन के थ्रू। जो हमारे पास सोडोमोनास आर्जिनोसा है ये हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन ही यूज करनी है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इट कैन नॉट सर्वाइव इन एनारोबिक एनवायरमेंट। तो इसका की डिफरेंशिएटिंग फीचर है फ्रॉम द एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली कि जो एंटीरोबैक्टीरियस फैमिली थी वो ऑब्लिगेट एनारोब थे, ये ऑब्लिगेट एरोब है। हाँ मैंने एनारोब लिख दिया था, ये ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है, और ये फर्मेंटेशन से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इनके स्पेशल सोडोमोनास के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो बेटा ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करेगा, एंडोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है। पिगमेंट्स शुरू करते हैं, इसके जो पिगमेंट्स हैं वो हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं वो है पायोसाइनिन, व्हिच इज द ब्लू पिगमेंट, और पायोवर्डिन, व्हिच इज द ग्रीन पिगमेंट। फिर जो हमारे पास पायोसाइनिन और पायोवर्डिन है ये पैथोजेनेसिस में भी रोल प्ले करते हैं, उसके अलावा भी कीड़ा की आइडेंटिफिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जब हम इसे कल्चर करेंगे ब्लड एग्रीगेट या किसी भी दूसरे एग्रीगेट पे तो ये दोनों पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसकी कलरीज हमारे पास ब्लू ग्रीन कलर की होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर ये स्किन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोडोमोनास मोस्ट कॉमनली बर्न पेशेंट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। जब उन्हें इन्फेक्शन कॉज करेगा बर्न पेशेंट में, स्किन की इन्फेक्शन कॉज करेगा तो स्किन पे भी हमारे पास ब्लू पिगमेंट आ सकता है बर्न पेशेंट्स में। हाँ वो आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेशेंट्स में डिजीज कॉज कर सकते हैं। एनीवेज तो आपको वहाँ भी स्किन में ब्लू पिगमेंट नजर आ सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास जो पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं पायोसाइनिन और पायोवर्डिन ये हमारे पास बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस में भी रोल प्ले करते हैं और बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स प्रोड्यूस करते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बैक्टीरिया का हमारे पास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। एंजाइम और ये चीजें देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। जो कैप्सूल की बात हो रही है अभी, ये हमारे पास बैक्टीरिया का कैप्सूल है, ठीक है, ये स्लाइम से लेयर होती है। इसका काम ये होता है ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करती है। अटैचमेंट किसके साथ? अटैचमेंट टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू बैक्टीरिया हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के साथ अटैच हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स के थ्रू बैक्टीरिया हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर्स के साथ अटैच हो सकते हैं। तो इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट, और अटैचमेंट के थ्रू ही ये पैथोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करता है।
अब हम बात करते हैं एक्सोटॉक्सिन की। बेटा ये जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है उसका फंक्शन बिल्कुल डिप्थेरिया के टॉक्सिन की तरह है। मुझे कुछ बताया जाए कि डिप्थेरिया टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, आपको बताएं बच्चों, किसी को पता है डिप्थेरिया टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? जो हमारे पास डिप्थेरिया टॉक्सिन है वो हमारे पास या फिर जो सुडोमोनास टॉक्सिन है दोनों हमारे पास रहेंगे एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। और इसकी वजह से फिर हमारे पास सेल की डेथ होती है। ये इसका फंक्शन है एंजियोटॉक्सिन का। जो एंजियोटॉक्सिन होते हैं वो आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का हिस्सा होते हैं और एंजियोटॉक्सिन हमेशा शॉक कॉज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे कहते हैं मोस्टली होते हैं इलास्टेज प्लस प्रोटीएज, ये दोनों एंजाइम हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। जब हमारे पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे तो वहां से बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकते हैं, डिफरेंट इन्फेक्शंस वगैरह कॉज कर सकता है। लेकिन जब बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं तब मोस्टली बैक्टीरिया सेप्सिस कॉज करता है और सेप्सिस फिर हमारे पास मोस्टली फेटल होता है। तो बेटा यहाँ अगर कुछ समझ आई पिगमेंट की, ग्लाइकोकैलेज की, एंजाइम, एंजियोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन की, आगे कभी फिर करते हैं कि हमारे पास कौन से पेशेंट्स में डिजीज कॉज करेगा और कौन सी डिजीज कॉज करेगा। बेटा आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है कि सुडोमोनास हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है लेकिन ये हमारे पास प्राइमरी पैथोजन है। प्राइमरी पैथोजन भी है और आपको पता है कि जो प्राइमरी पैथोजन है वो इटसेल्फ डिजीज भी कॉज कर सकते हैं और अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म की डिजीज है उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट में भी इन्फेक्शन कॉज करता है दोनों में। बेसिकली जो प्राइमरी होगा वो अपॉर्चुनिस्टिक तो हो ही सकता है क्योंकि वो इटसेल्फ कॉज कर सकता है, अगर किसी और की है तो उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन भी कॉज कर देगा। तो बेसिकली इट इज अ प्राइमरी पैथोजन, आप इसे अपॉर्चुनिस्टिक ना ही कहें तो बेहतर है। ये हमारे पास प्राइमरी पैथोजन है। अगर इसके बात करें रेजर्वॉयर की तो बेटा जो हमारे पास सुडोमोनास है सर्वाइवल के लिए ना बहुत थोड़े न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं तो ये हमारे पास अक्सर फ्रेश वाटर सोर्सेज में प्रेजेंट होता है और हॉस्पिटल के अंदर जो फ्रेश वाटर होता है वहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि ये फ्रेश वाटर में इजीली सर्वाइव कर सकता है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसी हो सकती है? ट्रांसमिशन ऑब्वियसली आप उस फ्रेश वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में हों, ठीक है, या फिर आप उस फ्रेश वाटर के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करें, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर है, आपकी ईटीटी ट्यूब है, तो अगर आप उनको क्लीन कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो तो उसमें ग्लाइकोकैलेज के थ्रू बैक्टीरिया उनमें अटैच हो सकता है। तो जब आप वो भी चीज़ें पेशेंट भी यूज करेंगे तो फिर वहां से पेशेंट को ट्रांसमिशन हो सकती है। तो ट्रांसमिशन कैसे होगी? ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट विद फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर उसके बाद जो ग्लाइकोकैलेज होगा वो इसे अटैक करने में हेल्प करेगा और वहां से बैक्टीरिया अपनी डिजीज कॉज करेगा। अभी हमारे पास कौन से पेशेंट्स में डिजीज कॉज सकते हैं? ठीक है, बेटा ये हमारे पास जो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट हैं उनमें तो डिजीज कॉज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा वो वाले पेशेंट्स जो किसी भी वजह से हॉस्पिटल में हेल्दी एडल्ट भी डिजीज कॉज कर सकते हैं और उसके अलावा हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में ये उसके इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब हॉस्पिटलाइज पेशेंट कौन से हैं? ठीक है, उनमें बर्न पेशेंट हो सकते हैं, उनमें हमारे पास सीओपीडी के पेशेंट हो सकते हैं, कोविड के पेशेंट हो सकते हैं,
ठीक है ना। और उसके अलावा कोविड के अलावा हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हैं, मतलब किसी भी क्या बेटा उसके लिए ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। मैंने बात की थी कि जो बर्न के पेशेंट होते हैं ना, आपको पता है कि बर्न के पेशेंट्स की स्किन नहीं होती, जहाँ पे बर्न है वहाँ पे स्किन नहीं होगी। आपको पता है कि जो स्किन है वो सबसे बड़ा बैरियर है पैथोजेंस के लिए, तो जब आपकी स्किन नहीं होगी तो वहाँ पर फिर इन्फेक्शन तो हो सकती है। और स्यूडोमोनास एक डोमिनेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, डोमिनेंट होता है, सर्वाइवल के लिए बहुत थोड़े न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसलिए बर्न पेशेंट में जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो स्यूडोमोनास होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकता है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। तो हमारे पास बर्न है, सीओपीडी है, कोविड है, डायबिटीज है, मतलब, और उसके अलावा अमीनो कॉम्प्रोमाइज है, किसी भी वजह से अमीनो कॉम्प्रोमाइज, ये नहीं कि सिर्फ एचआईवी, जो पेशेंट होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट ब्लॉक टाइप की थी उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, डायबिटीज है, कोविड है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, बर्न है, उनमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और हेल्दी अडल्ट्स में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अभी हमारे पास कौन सी डिजीजेस कॉज करेंगे, विडन के डिजीजेस की बात करें तो सबसे पहले ये कॉज कर सकते हैं निमोनिया, उसके अलावा ये सेप्सिस कॉज कर सकते हैं। सेप्सिस तब कॉज करेंगे, फर्स्ट केयर पेशेंट को निमोनिया है, पेशेंट ने ट्रीटमेंट सीख नहीं किया, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करता गया, लास्ट ईयर जब प्रोटीएस प्रोड्यूस करता गया जिसकी वजह से बेसिक मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगी और फिर बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम एंटर होगा और वहाँ से पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। और सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस हम इसी को कहते हैं, तो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है, इक्थाइमा गैंग्रीनोसम कॉज कर सकता है। ये हमारे पास सिर्फ कॉज करेगा उन पेशेंट्स में जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज है। हेल्दी पेशेंट्स में एक थायमोगैंग्लियोनोसम कॉज नहीं करेगा। एक थायमोगैंग्लियोनोसम बेसिकली स्किन इन्फेक्शन है। अब आगे तक देखेंगे कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरह से होती है, क्योंकि जो अक्सर स्किन इन्फेक्शन है उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, उनको देख के आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ है। तो ये एक थायमोगैंग्लियोनोसम एक स्किन इन्फेक्शन है और ये सिर्फ अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में कॉज करेगा, ठीक है। हेल्दी पेशेंट्स में जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है वो है फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। ये हमारे पास हेल्दी एडल्ट्स में कॉज कर सकता है। अगर पेशेंट अमीनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें स्यूडोमोनास कॉज करेगा एक थायमोगैंग्लियोनोसम। अगर हेल्दी एडल्ट्स है तो उनमें स्यूडोमोनास कॉज करेगा फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। उसके अलावा यूटीआई कॉज कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके अलावा हमारे पास ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, सॉरी ओटाइटिस मीडिया होता है। इसमें हमारे पास मिडिल लेयर की इन्फ्लेमेशन होती है। मिडिल लेयर आपको पता है कि हमारे पास तीन बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो उनको डैमेज कर सकता है जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयर हो सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस ओटाइटिस मीडिया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल कॉज कर सकते हैं। और बेटा जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो मोस्टली कॉज करता है डायबिटिक पेशेंट्स में। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उन पेशेंट्स में स्यूडोमोनास मोस्टली कॉज करता है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है और वहां से हमारे पास फिर ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। और मिलिग्नेंट का वर्ड आप इसलिए यूज करें क्योंकि ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है। अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे, पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं करेंगे और एंटीबायोटिक नहीं देंगे तो ये मिडिल ईयर और फिर इन्हीं रेटर स्प्रेड हो सकता है और फिर ये कंडीशन फेटल हो सकती है। तो डायबिटिक्स में ये मिलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉज करती है और हेल्दी एडल्ट्स में ये ओटाइटिस
मीडिया कॉस्ट होंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा है। और स्क्रीन क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉलिकुलाइटिस कॉज कर सकता है, एक्जिमा में न्यूमरेशन कॉज कर सकता है, उसके अलावा हमारे पास ये ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हमारे पास बोन की और कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कॉज कर सकता है, और इसके अलावा हमारे पास रेयर केसेस में मेनिनजाइटिस भी कॉज कर सकता है। तो ये हमारे पास ये डिजीज कॉज कर सकता है, निमोनिया, सेप्सिस, इंफ्लेमेटरी एनोरेक्सिया, फॉलिकुलाइटिस, यूटीआई, हेपेटाइटिस मीडिया, मैलिग्नेंट हेपेटाइटिस एक्सटर्ना, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। और बर्न पेशेंट में हमने आई थिंक डिस्कस नहीं किया कि बर्न पेशेंट में तो ये हमारे पास स्किन इन्फेक्शन कॉज करेगा ही, ठीक है। बर्न के पेशेंट्स में स्किन की इन्फेक्शन कॉज करेगा, और इसके अलावा हमारे पास अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिजीज है, अगर पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है और उसमें निमोनिया है, तो वो आप कह रहे हैं कि 90% चांसेस हैं कि सुडोमोनास की वजह से है। सुडोमोनास लव्स सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स, और मेरे निमोनिया बहुत कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज सिस्टिक फाइब्रोसिस बेटा ये होता है कि आपके जो कोलोराइड चैनल डिफेक्ट होता है, बेसिकली सीएफटी या चैनल होते हैं जो कोलोराइड को स्क्रिएट करते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वो बेसिकली स्किन में क्लोराइड को उन्होंने अब्सॉर्ब करना होता है और जीआई ट्रैक में स्क्रीट करना होता है। लेकिन ये होता है कि जीआई ट्रैक में वो स्क्रीट नहीं करते और स्किन में वो स्क्रीट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनका फंक्शन उल्टा हो जाता है। जब वो स्किन में स्क्रीट करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास सॉल्ट की बेसिन शुरू हो जाती है, क्योंकि क्लोराइड को फॉलो करता है सोडियम और सोडियम को फॉलो करता है वाटर। जब सोडियम क्लोराइड और वाटर लॉस होगी उसकी वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, और जब जी आई ट्रैक में आप क्लोराइड स्क्रीट नहीं जा रहे, मतलब आप सोडियम भी नहीं जा रहा बाहर और वाटर भी बाहर नहीं जा रहा जी आई ट्रैक में, तो उससे तो ये होता है कि आपकी जो जी आई ट्रैक में सिक्रेशन होती है उनमें वाटर नहीं होता, उनमें वाटर नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, उनके थिक होने की वजह से फिर डिफरेंट ऑर्गेन्स हमारी बॉडी के कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर फर्स्ट करें हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कोई फायदा तो नहीं है ना। म्यूकस का बेसिकली पर्पज होता है कि उसमें बैक्टीरिया को और जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैक करना है, और फिर उनको हमारे पास आपने जहाँ तो इंगल्स कर लेते हैं स्टमक की तरफ से ले जाते हैं, या फिर उनको बायो स्क्रीट करके देते हैं, म्यूकस का बेसिकली ये फंक्शन होता है। लेकिन अगर म्यूकस ही बहुत ज़्यादा थिक है और आपके सीलिया उस म्यूकस को मूव ही नहीं कर पा रहे, तो जितनी भी बैक्टीरिया आएंगे डस्ट आएंगे वो आपके लंग्स में रहेंगे, और इस तरह सुडोमोनास में भी निमोनिया हो सकता है। सुडोमोनास मोस्ट कॉमन कॉज है, स्टैफ कोलियस सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है सिस्टिक फाइब्रोसिस में निमोनिया की, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज सुडोमोनास, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं दैट इट इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड दैट रिजेंबल्स द मेंबर्स ऑफ एंटीरोबैक्टेरियेसिए, लेकिन ये हमारे पास ऑब्लिगेट रॉड है, जो एंटीरोबैक्टेरियेसिए थे उसमें या तो ऑब्लिगेट एनारोब थे या फैकल्टेटिव एनारोब थे, और ये हमारे पास ऑब्लिगेट रॉड है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यूज करेगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फर्मेंटेशन यूज नहीं करेगा। ये हमारे पास फ्रेश वाटर में ग्रो कर सकता है, कंटेनिंग ओनली फ्रेश अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, and this favors their persistence in the hospital environment, इसलिए ये हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर पाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस कर दिया कि ये हमारे पास जो हम डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं हॉस्पिटल में, ये हमारे पास डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए भी ये हम हॉस्पिटल में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट रेजिस्टेंट है, इसके डिसइंफेक्टेंट से डेथ भी होती है। Pseudomonas aeruginosa produces two pigments that are useful in clinical and laboratory diagnosis. कौन से हैं? Pyocyanin, which can color a wound in a which can color the pus in a wound blue. जैसे हमने पहले देखा था Pyocyanin blue है, Pyoverdin green है। ये दोनों हमारे पास lab में भी help करते हैं diagnosis में और clinically भी help करते हैं। Pyoverdin, a yellow green pigment that fluoresces under UV light, a property that can be used in the early detection of skin infection in burn patients.
In laboratory, these pigment is used into the algae, imparting a blue green color that is useful in identification. यहाँ पर हमें एक स्लाइड दिखाई हुई है जिसमें हमने सुडोमोनास को कल्चर किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास येलोइश ग्रीन कलर है, ये हमारे पास होता है सुडोमोनास का कल्चर जब आप करते हैं लेबोरेटरी में. स्ट्रेन्स ऑफ सुडोमोनास आर्जिनोसा आइसोलेटेड फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स हैव अ प्रोमिनेंट स्लाइम लेयर कॉल्ड ग्लाइकोकैरिक्स दिस गिव्स इट कॉलोनीज अ वेरी इनकॉर्ड अपीयरेंस. द स्लाइम लेयर मीडिएट्स द एडहेरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स एंटीबॉडी फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑर्गेनिज्म. तो ग्लाइकोकैरिक्स क्या है, वो सुडोमोनास कैप्सूल है, स्लाइम लेयर है, रिकॉर्ड अपीयरेंस इसकी वजह से होती है कल्चर के ऊपर, और इसके अलावा ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, एंड सिंस इट इज अ कैप्सूल तो ये हमारे पास फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं, बर्न पेशेंट हैं, वो पेशेंट जिनमें स्किन के डिफेंसेस इंपेयर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्न पेशेंट हैं, उसके अलावा 65 हैं जो सीओपीडी है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, वो पेशेंट का न्यूट्रोफिल काउंट का आंसर कम होता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट और आंसर कम हो, मतलब कि इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज हो, तो उन्हें ये हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करते हैं. ये हमारे पास 10-20% ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एंड इन मेनी हॉस्पिटल इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राम नेगेटिव नॉसो कॉमन न्यूमोनिया, स्पेशली वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, जिसके हमने बात की कि हमारे पास वेंटिलेटर का अटैक हो सकते हैं और वहां से वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया कॉज कर सकते हैं. पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन और एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं. जो एक्सोटॉक्सिन है वो हमारे पास करेगा एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर 2, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी. जो इलास्टेज हैं और प्रोटीज हैं वो बेसिक मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और बैक्टीरिया को ब्लड में स्प्रेड करने में फैसिलिटेट करते हैं. जो पायोसाइन है और पायोबर्डिन है वो हमारे पास सीलिया को और म्यूकोसल सेल्स को डैमेज करते हैं. वहीं हमारे पास बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस भी रोल प्ले कर रहे हैं, क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन और लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन में भी हमारे पास यूजफुल है. डिजीज की बात करें तो हमारे पास निमोनिया, सेप्सिस, एक्थाइमा गैंग्रेनोसम, एक चीज हम मिस कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो थी एंडोलाइटिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हम मिस कर गए हैं. एंडोलाइटिस कॉज कर सकते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, और उसके अलावा मिलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, ओटाइटिस मीडिया है, फॉलिकुलाइटिस है और ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस है. ये हमारे पास ये सभी डिजीज कॉज कर सकते हैं. अगर हम बात करें लैब डायग्नोसिस की, तो अगेन हम स्पेसिमेन वहीं से लेंगे जहाँ पे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल मेनिनजाइटिस है तो सीएसएफ से, हमारे पास बोन की कंटेमिनेशन है या फिर बर्न में इन्फेक्शन है, बर्न पेशेंट में, तो बोन से स्वाब लेंगे. निमोनिया है तो स्प्यूटम, सेप्सिस है तो ब्लड, और अगर यूरिया है तो यूरिन. डिपेंड करते हैं बैक्टीरिया कौन सी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, फिर वहाँ से उसका स्पेसिमेन लेंगे. माइक्रोस्कोपी में हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे, ये भी हमारे पास मोटाइल हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, निकॉन की अगर भी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाते हैं, और जो हमारे पास टीएसआई अगर भी इनका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ना ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे, ना लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, ना ही हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे, ना ही और गैस प्रोड्यूस करते हैं, और ये कैटलिस्ट पॉजिटिव है. आखिरी टॉपिक है बेटा बैक्टेरियोइडिस और प्रोटोजोआ. बेटा जो हमारे पास बैक्टीरियोइडिस हैं और प्रोमेटेला है, ठीक है, बैक्टीरियोइडिस हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं, और जो प्रोमेटेला है वो हमारे पास ओरल कैविटी में नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होंगे, ठीक है. तो अगर ये दोनों हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है तो ये डिजीज कैसे कॉज करेंगे. वैसे इस तरह आपने बताया कि ये मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है,
मोटाइल वैसे उनकी इनमें मोटिलिटी की इम्पोर्टेंट नहीं है, जो दूसरा ने डिस्कस किया पहले कि अगर हमारे पास सर्जरी हो रही है, लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उन चीज़ों के थ्रू हमारे पास ये स्प्रेड करेंगे। सर्जरी हो रही है या किसी भी वजह से ट्रॉमा है, ठीक है, मतलब किसी भी वजह से जो ब्लड स्टाइल कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसकी वजह से इनकी इन्फेक्शन होती है। बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे पास ऑब्लिगेट एनरोब्स हैं दोनों, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करते हैं? जब हमारे पास ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गई तो जो हमारे पास इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब उनकी ओवर ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होती है वो है इकोलाई। इकोलाई हमारे पास आपको पता है कि ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं। जब इकोलाई की ओवर ग्रोथ होती है तो फिर इकोलाई सारी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से फिर हमारे पास बैक्टीरियोसिस और प्रोबेटेला की ओवर ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी, ब्लड अगर ब्लड नहीं आ रहा तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं आएगी। जब हमारे पास किसी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी तो फिर हमारे पास बैक्टीरियोसिस और प्रोबेटेला की ओवर ग्रोथ होगी। अभी हमारे पास डिजीज कौन सी कॉज कर सकते हैं, यहाँ हमने रिजर्वर डिस्कस कर लिया, ट्रांसमिशन डिस्कस कर ली, डिजीज कौन सी कॉज करेंगे बेटा, ये इनका काम है एब्सेस कॉज करना दोनों का। दोनों हमारे पास एब्सेस कॉज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बैक्टीरियोसिस है वो हमारे पास कॉज करते हैं बिलो द डायफ्राम, ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, हमारे पास कॉज करते हैं अबव द डायफ्राम। फिर ये हम एब्सेस कॉज कहां पे कॉज करेंगे, बिलो द डायफ्राम एब्सेस कॉज करते हैं, ठीक है, उसमें इंटेस्टाइन में कॉज कर सकते हैं, पेल्विक एब्सेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आपको पता है कि थाइज में फेशियल अटैक की एक्सटेंशन होती है, फेशियल अटैक किसकी एक्सटेंशन है, फेशियल अटैक हमारे पास एक्सटर्नल जो ऑब्लीक मसल होते हैं जो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है उसकी डाउनवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है ना, उस मसल को हमारे पास अफेक्ट कर सकते हैं। एब्सेस के अलावा ये पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल एब्सेस हो सकती है, पेल्विक एब्सेस हो सकती है, उसके अलावा पेरिटोनाइटिस हो सकता है, उसके अलावा नेक्रोटाइजिंग फेशियल एब्सेस हो सकते हैं। जो नेक्रोटाइजिंग फेशियल एब्सेस होता है वो मोस्टली हमारे पास फेशियल अटैक और फेशियल अटैक को अफेक्ट करते हैं। और जो हमारे पास प्रोबेटल है वो हमारे पास एब्सेस कॉज करेगा अबव द डायफ्राम, मतलब ये हमारे पास लंग्स में एब्सेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ओरल कैविटी में कॉज कर सकता है, लैरिंक्स में कॉज कर सकता है, ब्रेन में कॉज कर सकता है। तो ये हमारे पास अबव द डायफ्राम इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये हमारे पास बिलो द डायफ्राम इन्फेक्शन कॉज करते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि हमारे पास ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज करेगा, जिसमें सर्जरी आ जाएगी, ट्रॉमा आ जाएगा। रिजर्वॉयर की बात करें तो बैक्टीरियोसिस प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में और प्रोबेटेला प्रेजेंट है ओरल कैविटी में, दोनों हमारे पास ऑब्लिगेट एनरोब हैं। स्लाइड से पढ़ते हैं, मेंबर्स ऑफ द जीनस बैक्टीरियोसिस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीरियस एनरोबिक इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस एंड एब्सेस, ठीक है। जो बी फैजेलस है इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट पैथोजन, एंड जो प्रोबेटेला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैथोजन, जो बैक्टीरियोसिस है वो कॉज करेगा इंटेस्टाइन में और जो प्रोबेटेला है वो कॉज करेगा ओरल कैविटी में। बैक्टीरियोसिस एंड प्रोबेटेला आर एनरोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम नेगेटिव फ्लोवर्स, ऑब्लिगेट एनरोबिक हैं। ऑफ द मेन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियोसिस टू आर ह्यूमन पैथोजन, बी फैजेलस है एंड बी कोरोडोन्स है। Members of B. fagellus group are the predominant group in the human colon and in the vagina, approximately 60% of the women. So, ये हमारे पास large intestine, जो colon है उसमें present है। और जो हमारे पास जो probotella है, वो हमारे पास oral cavity में present है। Because bacteriophages and probotella species are part of normal flora, infection are endogenous. Endogenous infection का मतलब है कि जब हमारे पास mucosal break होगा, mucosal break किस वजह से होगा? Surgery की वजह से, trauma की वजह से, compromised blood supply की वजह से। जब हमारे पास म्यूकोसल ब्रेक होगा तब हमारे पास इनकी डिजीज होगी, ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कॉज अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन सच एज लोकल एब्सेस, एडेसाइटस म्यूकोसल ब्रेक, या फिर मेटास्टेटिक एब्सेस, मेटास्टेटिक एब्सेस होते हैं जो हमारे पास उनकी ओरिजिनल साइट से दूर जाके एब्सेस कॉज करें। फॉर एग्जाम्पल इसकी ओरिजिनल साइट है कोलन, और अगर ये पेल्विक एब्सेस कॉज कर रहे हैं तो इसकी मेटास्टेटिक एब्सेस होगी। लाइकवाइज अगर इसकी लोकेशन है ओरल कैविटी की और जो ब्रेन में जाके एब्सेस कॉज कर रहा है तो इसमें देखिए मेटास्टेटिक एब्सेस, और वो होती है थ्रू हेमाटोजेनस स्प्रेड, मतलब ब्लड के थ्रू स्प्रेड करते हैं।
यहाँ पे लंग इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं बाय द एस्पिरेशन ऑफ ओरल फ्लोरा। विरुद्ध शक्ति में डिस्कस की गया कि जो हमारे पास हाइलेरोमिडेज है, कोलाजिनेज है और फॉस्फोलाइपेज है, ये तीनों हमारे पास बेस में मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं और बैक्टीरिया के डिस्टेंस दैट दिस बैक्टीरिया के डिस्टेंस दैट को फैसिलिटेट करती हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया इनकैप्सुलेटेड है, मतलब कि फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेंगे। एंडोटॉक्सिन है जो कि सेप्टिक शॉक में रोल प्ले करेगा, और एंटीरोटॉक्सिन है, एंटीरोटॉक्सिन मतलब जो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से सेल्फ लिमिटिंग गैस्ट्रोमिक हो सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हमारे पास सर्जरी है, ट्रॉमा है, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, लोकल टिश्यू नेक्रोसिस होगा, इंपेयर ब्लड सप्लाई है, इंपेयर ब्लड सप्लाई की वजह से हमारे पास एनारोबिक जो है फैटलिटी पॉपुलेशन उनकी ग्रोथ होगी, जिससे मोस्ट कॉमनली इकोलाई ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा, जिसकी वजह से उसके लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, उसकी वजह से फिर बैक्टीरियोलाइटिस और प्रोबोटेला ग्रो करेंगी। एज अ रिजल्ट मेनी एनारोबिक इन्फेक्शन कंटेन अ मिक्स्ड फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक फ्लोरा, मतलब जब आप इनका कल्चर लेंगे ना इस टाइम से इकोलाई तो होगा ही ऑब्वियसली, साथ में हमारे पास बैक्टीरियोलाइटिस भी होगा, जो इकोलाई है वो फैकल्टेटिव एनारोब है और ये ऑब्लिगेटरी एनारोब है। तो जब आप इन्हें कल्चर करते हैं इसमें हमारे पास मिक्स फ्लोरा आते हैं। This has important implication for therapy, both affinity anaerobe and obligate anaerobe should be treated. तो आपने फिर दोनों को treat करना होता है। Clinical manifestation की बात करें तो हमारे पास localized abscess cause करेंगे और उसके features होंगे हमारे पास। The B. flagellus group of organism is most commonly associated with intra-abdominal infection, for example, peritonitis or localized abscess. लोकलाइज्ड सेप्सिस के अलावा पेल्विक एब्सेस हो सकता है, नेक्रोटिक फैशियाटिस हो सकता है, बैक्टीरिया और सेप्सिस भी हो सकता है। और जो हमारे पास माउथ, फेरिंग्स, ब्रेन और लंग के एब्सेस है वो हमारे पास मोस्टली प्रोबोटेला की वजह से होती है, विच इज अ मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ओरल कैविटी। और जो हमारे पास बी फ्लैजेलस है इन शॉर्ट वो कॉज करेगा डिजीज बिलो द डायफ्राम, और जो प्रोबोटेला है वो कॉज करेगा अबव द डायफ्राम, जिसे हमने डिस्कस किया। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास जो बैक्टीरियोलाइटिस स्पीशीज है दी कैन बी आइसोलेटेड ऑन द ब्लड एज प्लेयर्स कंटेनिंग कैनामाइसिन, वैंकोमाइसिन टू इनहिबिट अनवांटेड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली आपने इनको अगर कल्चर करना है तो आपने एनारोबिक एनवायरनमेंट में कल्चर करना है, और आपने करना है ब्लड एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैनामाइसिन और वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स, ताकि जो दूसरे अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ ना हो, उनकी ग्रोथ हो सके। लेकिन आपको पता है कि ये ऑब्लिगेट एनारोब है, इनको कल्चर करना मुश्किल होता है और इनका डायग्नोसिस हम बहुत से क्लिनिकल बेसिस पे करते हैं और उसी बेसिस पे ट्रीट करते हैं। कल्चर करना मुश्किल होता है, ऑल्दो अगर आप कल्चर कर लें प्रोबोटेला को तो प्रोबोटेला की हमारे पास ब्लैक कलर की कॉलोनीज आती हैं, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखें कि इसमें हमारे पास डायग्नोसिस मोस्टली होगा हमारे पास क्लिनिकल और उसकी उसे ट्रीटमेंट होगा। अब कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, समझ आ गई? ऑनलाइन स्ट्रीम में समझ आ गई है? यस सर। बच्चे सो गए हैं आज, क्लास में आते थे तब तक तो लेक्चर इतना लंबा था। हाँ आज हमने दो लेक्चर कवर किए हैं और कल से इंशाल्लाह फिर से वही एक दो भी क्लियर बड़ा करेंगे सर। बेटा क्लास हमारी खत्म हो गई है, आपको मैं ईमेल कर दूंगा, फिलहाल आप पढ़ना तो शुरू करें, इतने लेक्चर ही होंगे सर। 10 लेक्चर से ज्यादा होंगे या नहीं होंगे बेटा वो पैटर्न हमें बताएंगे कंट्रोलर एग्जामिनेशन, ठीक है, वो जब मुझे बता देंगे
सर प्लीज आप ये सिलेबस कम कर दें। सर पहले वो तो पैटर्न का छोटा वाला बताएंगे, सर ये तो आपके हाथ में है ना सिलेबस लेना, वो तो आप कंसेशन कर ही सकते हैं ना थोड़ी सी। प्लीज सर 10 कर दें क्योंकि सर माइक्रो बहुत मुश्किल है। पहले तो सर आप काइंडली मिड तो कर दें क्योंकि इसकी परसेंटेज भी ज्यादा होती है। तो ठीक है बच्चों 10 लेक्चर्स अभी 10 कह चुका हूं, 10 नहीं होंगे, 10 लेक्चर्स ही होंगे आपके सिलेबस में। और जो आपका पेपर पैटर्न है वो आपको सर पैटर्न भी बता देंगे, वो आपको ईमेल आ जाएगी। सर कब तक आएगी बेटा? अब तो वो तो कंट्रोलर को पता है ना, मुझे नहीं पता। बेटा आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपके एमसीक्यूज हो या एसक्यूज हो, आपने दोनों के लिए मेंटली तैयार रहना है, कुछ भी आ सकते हैं। फैकल्टी को नहीं पता तो हम आप लोगों को कैसे बताएं? तो आप लोगों को मैंने पहले दिन कहा था दोनों तरीकों से पढ़े। एनीवेज अगर कोई पॉलिसी आती है, अभी तक कोई भी पॉलिसी नहीं आई, ठीक है, सुनी सुनाई बातें अभी तक सिर्फ। अगर भी प्रॉपर पॉलिसी आती है, ईमेल आती है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। मिड्स ऑन कैंपस ही होंगी और वो आपके आई थिंक 7 शुरू हो रहे हैं, 5 से शुरू हो रहे हैं, 5th of July। ठीक है बेटा, हमारा क्लास का टाइम खत्म हो गया, क्लास खत्म करते हैं और आगे भी मिलते हैं, टीचर्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।